वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो मैं आज आप लोगों के लिए एक शूट लेके आ रखा हूँ। मैं दिखाऊंगा नहीं, मतलब मैं थोड़ा बहुत ग्लिप्स दिखाऊंगा, बट रिजल्ट के लिए आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम को चेक करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो एडिट करके वहाँ पे पोस्ट करूँगा जो मेरा खुद का पर्सनल पेज है। फोटोग्राफी में नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा सेल्फ शूट है। सो अभी एडिट ही कर रहा था तो प्रोजेक्ट के बाद मैंने कहा कुछ करता हूँ, और मैंने कुछ ऑर्डर किया है तो उसी से आज मैं शूट करूँगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो चीज़ क्या है, और ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम में जाके चेक करना, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वो शूट। सो अभी फेस वगैरह थोड़ा सुबह से बैठ के आज एडिट चल रही थी, अब जाता हूँ थोड़ा फेस वॉश वगैरह करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर तो कार लेना है मेरे को, क्योंकि इट्स लाइक अ पोर्ट्रेट शूट, तो फेस फेस ही मैटर करेगा। एंड थोड़ी फिजिक अब मेरी वापस से आ रही है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, जब तक प्रॉपर बनेगी ना तब मैं आप लोग को अपनी फिजिक दिखाऊंगा। अभी इट्स लाइक 9 या 10 दिन हो गए, आज ऑफ था तो 9 दिन समझ लो, 9 दिन हो गए मेरे को वर्कआउट वापस से स्टार्ट किए हुए। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आप लोग को डेफिनेटली वापस से दिखाऊंगा कि मेरी फिजिक क्या है। और वेल, मैंने अपना रूम पूरा चेंज कर दिया है, तो वहाँ पे मैं पहले ई बेड वहाँ रहता था मेरा, सो मैंने चेंज किया है सेटअप। एंड दिस इज़ माई फ्लैट, दिस इज़ माई रूम, यहाँ पे मेरा वर्किंग स्टेशन है, वो एडिट चल ही रखा है, वहाँ पे पीछे दिख रहा है आप लोगों को। सो यही है, एंड छोटा मोटा आप लोगों को मैं अपडेट फिजिक का नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मैं रिवील नहीं करता हूँ एकदम से ना। एंड थोड़े टाइम का जब मेरी प्रॉपर फिजिक बन जाएगी ना, मैं वो इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी छोटी सी शॉर्ट रील डालूंगा अगर इसमें से निकलती है। सो यप, वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं, थोड़ा फेस वॉश वगैरह करते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधा, जब गेट रेडी हो जाएंगे, गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी वाला सीन हो जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट कि कैसे शूट होगा, और मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे ये शूट हुआ है, क्या क्या नीड होती है और क्या है बस। तो या कुछ इस तरीके का शूट हो रहा है मेरा, मैं खुद ही करता हूँ, सामने कैमरा है ट्राइपॉड पे, एंड इस बार तो ज़्यादा लाइट है, बट ये अंधेरे में किया जाता है। इसका मैं अब आपको रिजल्ट बताऊंगा इंस्टाग्राम में, तो आप लोग बने रहो। शूट ऑलरेडी हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा रहा था मैं कैसे कर रहा था। ये पीछे चार्ट पेपर रखा हुआ है, आगे मेरा कैमरा है, कुछ छोटे मोटे प्रॉप्स ले लेता हूँ मैं, एंड उसके बाद अपना सेल्फ पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं जब आप पे टाइम हो, या फिर अगर आप कंटिन्यूटी में इन चीज़ों में रहते हो। सो कुछ है जो चार्ट पेपर्स चाहिए होते हैं, बाकी नीचे ठंड लग रही है। अब मैं जाता हूँ सीधा एडिट पे, बैठते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आया है, एंड बस यही है, बाकी बने रहो, आप लोग को रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगा। सो मेरा पर्पज़ पता है क्या था आज का, अंदर जाके बात करता हूँ, यहाँ ना हॉल में कुछ नहीं है तो आवाज़ गूंजेगी मेरी, तो अंदर जाके बात करते हैं अच्छे से। शूट हो गया है पूरा, एंड बाकी अब मैं एडिट पे बैठ के ना आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे। तो जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में प्लीज़ चेक कर लो मेरी प्रोफाइल, एंड फोटोग्राफी पेज भी मैं डालता रहता हूँ, उसमें आप लोगों ने काम देखा ही है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, मैं दोनों लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे कहीं पे पॉप हो रहा होगा, आप दोनों पेज जाके चेक कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आप सेल्फ शूट कर सकते हो, एंड और भी क्रिएटिव शूट्स हैं जो मेरे माइंड में हैं, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं खुद आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे शूट किया जाता है। एंड अगर आपको ये प्रॉप वगैरह पता करना है, चाहिए कुछ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट पे बताना, मैं आप लोगों को प्रॉपर इस चीज़ का एड्रेस या फिर लाइक डिटेल्स वगैरह भेज दूंगा या डाल दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो वो बात अलग है, बता देना आप लोग कमेंट पे जैसा आप लोगों को फील करता है। सो ये है आज का छोटा सा व्लॉग, सोच रहा था कि इतना लंबा टाइम हो गया, कहीं ट्रैवल इतना नहीं हो पाया, क्योंकि मोस्टली शूट पे जाना हो रहा था, सेम चीज़ दिखा दिखा के आप लोगों को पक जाते हैं आप लोग भी, तो कुछ अलग या हट के आएगा ना तो वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, और वो प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा मैं, अगर होता है प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगा अगर तो। बाकी वो फॉर द बेस्ट करते हैं, जिस चीज़ का हम सोच रहे हैं अगर वो पूरा होता है तो उसकी मैं कंटिन्यूसली एपिसोड या सीरीज़ वाइज निकाल दूंगा, तो उम्मीद करूंगा वो आप लोगों को पक्का पसंद आएगा वो, अगर वो होता है यार, अगर वो होता है, होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप लोग बने रहो, ऐसे ऐसे छोटे मोटी चीज़ें मैं लाता रहूँगा कभी ना कभी आप लोग के लिए, और इंस्टाग्राम में मैं डालता रहता हूँ ट्रैवल काइंड ऑफ थिंग या फिर कुछ फैशन के रिगार्डिंग, तो अगर आप लोगों को चीज़ें चेक करनी है तो आप इंस्टाग्राम में भी चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या आप मेरे को सजेशन दे सकते हो कमेंट पे कि नेक्स्ट ये ट्राई कर ले, ये कुछ कर ले, इस तरीके से आप लोग जैसे जैसे कमेंट दोगे मैं वैसा वैसा करता रहूँगा। तो ये कुछ फाइल्स हैं जो मैंने अभी सेल्फ पोर्ट्रेट लिए हैं कम है, इनको मैं फ़िल्टर करूँगा तो आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊँगा, कलर्स के साथ कलर ग्रेड करूँगा प्रॉपर एडिट के बाद, देन मैं इसको पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम में।
तो इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग बने रहो, इसी तरीके से मैं चीज़ें करता रहता हूँ एंड बस यही है। मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो क्लिप नहीं मिस हुई, मतलब मिस हो गई है। सो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि पर्पज़ क्या रहता है शूट करने का, वो पहले बता देता हूँ आप लोगों को। ऐसे अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कुछ समथिंग, यार आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, या फिर जैसा आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखते आ रहे हो, रील में या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो कि यार हमें भी ऐसा करना है, तो बेसिक और सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप कहीं घर में कर सकते हो, स्टूडियो की ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ में। आपका अपना रूम है, वहाँ पे पीछे ब्लैक या अगर चार्ट पेपर नहीं है, ब्लैक लाइक फैब्रिक वगैरह आते हैं कपड़े वगैरह, तो वो आप ख़रीद सकते हो, सस्ते आते हो, स्टैंड वगैरह ले लो, वन टाइम परचेज हो, वो बार बार आपको काम देगा आपके शूट पर्पज़ पे। तो एक मोबाइल ट्राइपॉड आता है मार्केट में या अमेजोन में, कहीं पे भी देख लो, जो थोड़ा क्वालिटी अच्छी है उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल लगाओगे अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गिर सकता है, तो ड्यूरेबिलिटी वाला ट्राइपॉड ले लेना मोबाइल का। और एक ब्लूटूथ वाला ना कंट्रोलर आता है, वो खरीद सकते हो, सस्ते होते हैं, बस आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है, वो कनेक्ट करना है, सेल्फ पोर्ट्रेट में बहुत ज़रूरी काम आता है। और मोबाइल में अगर आपको इस तरीके के थोड़े लाइक एक्सपोजर शॉट्स चाहिए तो इसमें आप में आपको प्रो मोड में शूट करना होता है, नॉर्मल फ़ोटो वाले कैमरे में नहीं रहेगा, जो नॉर्मल ऑप्शन रहता है ना फ़ोटो का, आप जिससे सेल्फी लेते हो, नॉर्मल फ्रंट पिक्चर्स वगैरह लेते हो, वो नहीं, मोर में लाइक एंड्रॉयड में मोर में आता है और आईफोन में प्रो रेस वगैरह रहता ही है, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें रॉ कर सकते हो आप उसको। तो उसमें सेटिंग में जाके जब आप प्रो मोड में करोगे तब जाके आप इस तरीके के लॉन्ग एक्सपोजर शूट कर सकते हो। बाकी कैमरा तो जिस पे है वो तो है, जिस पे नहीं है जो मोबाइल से करना चाहता है उनके लिए यही है, एंड छोटी मोटी प्रॉप्स रहते ही हैं। आप ज़रूरी नहीं आपको ये चीज़ ख़रीदनी है, घर में जो दिवाली की लाइट होती है आप उससे भी कर सकते हो, वो आपके माइंड के ऊपर है आप किस तरीके की क्रिएटिविटी लाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। सो यही है जो मेरे को पर्पज़ बताना था। बाकी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ रिज़ल्ट अच्छा लगा होगा, एंड मैंने डाली दिया है इंस्टाग्राम में तो है ही ऑलरेडी, बट इसमें भी डाली दिया। सो यहाँ पे हम वीडियो एंड कर देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, साइनिंग ऑफ रचित।